रामपुर में जापानी पद्धति मियामाकी से पौधारोपण। वृक्षारोपण जन आंदोलन वन महोत्सव आज जापानी पद्धति मियामाकी से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य, नोडल अधिकारी रविंद्र सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़, मुख्य विकास अधिकारी और नवनिर्वाचित सांसद घनश्याम सिंह लोधी भी मौजूद रहे। सभी गणमान्य लोगों ने एक एक पौधा लगाया और सभी लोगों से अपील की कि सभी लोग महीने में 4 से 5 पौधे अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण बेहतर हो सके और जो भी पौधे लगाएं उनकी देखभाल ज़रूर करें। जनपद रामपुर रेडिको खेतान में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वृक्षारोपण जन आंदोलन वन महोत्सव के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम किया गया। सरकार ने रामपुर को 19 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज रेडिको खेतान में पौधारोपण का एक कार्यक्रम का आगाज किया गया। रेडिको खेतान सरकार की हर योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और जिला प्रशासन का सहयोग भी करता है। आज का ये कार्यक्रम भी रेडिको खेतान की ओर से किया गया था। रेडिको खेतान प्रांगण में सभी पौधे लगाए गए और सभी गणमान्य लोगों ने सभी जनता से अपील की कि सभी लोग पौधे लगाएं और जो भी पौधे लगाएं उनकी देखभाल ज़रूर करें। देखिए, जो राज्य सरकार है उसका लक्ष्य है आज 25 करोड़ पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षों का आरोपण करने का। मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक तो सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं तो एक उपलक्ष्य तो है ही, उसके अलावा भी पर्यावरण को रक्षा करने के लिए अगर वृक्षारोपण किए जाएँ तो ये सबसे सही टाइम है। बरसात शुरू होने वाली है तो जो पौधे लगाए जाएंगे उनके सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहेगा। और उसके दृष्टिगत रामपुर मुझे नोडल बनाया गया, रामपुर में 19 लाख पौधे आज लगाए जाने हैं। उसी में से एक साइट यहाँ थी जहाँ मियावाकी पद्धति, जो जापानी पद्धति है, उससे वृक्षारोपण किया गया है। इसमें कहा जाता है कि जो सर्वाइवल रेट है पौधों का वो बेटर रहता है, अच्छा वन बन के आता है। उद्देश्य यही है कि जो अपना हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है उसे धीरे धीरे सुधारा जाए। जो गलतियाँ हम लोग कर चुके हैं उनको सुधार कर हम लोग पुनः एक बार रहने लायक धरती को बनाएं, और उसी उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है। सर, वृक्षारोपण तो काफ़ी तादाद में किया जाता है लेकिन उनकी रख रखाव नहीं किया जाता उस हिसाब से, उस पर क्या मैसेज है? देखिए, दो मेन चीज़ें हैं। नंबर एक तो ये है कि जो समय चूज़ किया जाता है इसलिए किया जाता है ताकि बरसात के टाइम पर पानी की जो समस्या है वो ना हो और सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। उसके अतिरिक्त ये जानते हुए कि अगर रखरखाव नहीं किया जाएगा तो सर्वाइवल नहीं होगा, तो उसके लिए भी उस हिसाब से व्यवस्था की गई है। जैसे ग्राम पंचायतें जो लगा रही है तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मनरेगा से आदमी रखा गया है ताकि वो इसका देखभाल कर सके। दूसरी इशू आता है कि किस तरह से रखरखाव करना है, तो जहाँ संभव है वहाँ पर ये ट्री गार्ड्स वगैरह लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, आज वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 का शुभारंभ हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में एक आह्वान किया गया है कि पूरे प्रदेश में 25 करोड़ के ऊपर पेड़ लगाए जाएँ। जैसे रामपुर को उसमें लगभग 26.5 लाख का टारगेट मिला है, तो उसी को लेकर अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से हम लोग सघन वृक्षारोपण कराने का प्रयास कर रहे हैं। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को जो टारगेट मिला था उसके तहत हमारी 8 औद्योगिक इकाइयों में मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन कराया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के लिए आज हम यहाँ पर रेडिको खेतान परिसर में एकत्रित हुए हैं। हमारे जनपद के माननीय सांसद जी और हमारे नोडल ऑफिसर सर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इसी प्रकार से एक वृहद कार्यक्रम जो हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ पर और शाहबाद तहसील में गाँव में आयोजित किया जा रहा है। सभी को संदेश यही देना चाहेंगे कि जिला प्रशासन और सरकार के माध्यम से जो भी वृक्षारोपण हो रहा है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि वो सुरक्षित रहे और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी भी रहे। लेकिन साथ साथ लोगों से भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिसर में पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण भी करें, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा और आपका सभी का अस्तित्व है, हमारी वर्तमान पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी का अस्तित्व है और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। आज के दिन मैं यहाँ राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, माननीय सांसद जी की उनकी उपलब्धता के लिए आज के दिन के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए, मीडिया के लिए और मैं अपने सभी साथियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारा मानना है कि जिस तरह से ये जापानी पद्धति से वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें सभी प्रजाति के पौधे, सभी साइज़ के छोटे बड़े पौधे, हम जैसे एक समुदाय, एक परिवार,
एक प्रदेश और एक देश के रूप में रहते हैं। ये पौधे एक दूसरे के साथ सुरक्षित रहेंगे। हम अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश करेंगे कि इन लगाए गए सारे पौधों की सुरक्षा करें, उनको समय समय पर उनकी देखभाल करें। तो आज के दिन के लिए मैं सभी साथियों का, मीडिया के भाइयों का, प्रशासन का, राज्य सरकार प्रतिनिधियों का और माननीय सांसद जी का यहाँ रेडी क्यू खेदान में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो खेतान रेडी क्यू खेतान ने जो कार्यक्रम कराया है, तो मैं उसके लिए साधु धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नई पहल नहीं है, मतलब पुराने पहले से भी, पिछले साल भी हमारा वृक्षारोपण हुआ और आज का दिन हमारे जिलाधिकारी ने चुना है और पूरे प्रदेश में मेरे हिसाब से लगभग 19 करोड़ पौधों का रोपण आज लगाने की योजना है। ये नहीं रामपुर में हमारे, नहीं पूरे प्रदेश में इस योजना का चलाया जा रहा है और वृक्षारोपण किया जा रहा है। समझता हूँ हमारे जो जनपद रामपुर में जिलाधिकारी की, जब हमारे प्रदेश सरकार की जो पहल है, उसे सब लोग आगे बढ़ाएं और ये बच्चे बैठे हैं ये प्रण लें कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा एक एक घर में कोई आंगन होता है या खलिहान होता है या कहीं ना कहीं एक एक पौधा जरूर अपने घर में लगाए जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे लोग जो वृक्षारोपण तो होता है लेकिन लगाने के बाद उसे भूल जाते हैं, ना तो कोई पानी देने की कोई आवश्यकता समझता है, ना उसे देखभाल करने की आवश्यकता समझता है। तो मैं समझता हूँ उसे भी देखना चाहिए, जो आप लोग पौधा लगाएं तो उसकी देखभाल जरूरी करें, चाहे भले 10 पौधे ना लगाएं, 5 लगाएं, लेकिन 5ों की देखभाल बहुत जरूरी है।